नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रेस्टोरेंट कारोबारी ने साथी को मारी गोली, गंभीर हालत में बरेली रेफर। हल्द्वानी में एक ही गांव के रहने वाले एक रेस्टोरेंट कारोबारी ने दूसरे को गोली मार दी, जिससे दूसरा कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके हाथ गंभीर बताई जा रही है। वही घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। पांचवी पास युवक बनाता था 10वीं व 12वीं के फर्जी सर्टिफिकेट, बिहार अरुणाचल तक फैला है रैकेट। देहरादून में गिरोह द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा के फर्जी सर्टिफिकेट तैयार किए जा रहे थे। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि गिरोह फर्जी सर्टिफिकेट बिहार और अरुणाचल प्रदेश में बेचते थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च एजुकेशन नाम से ट्रस्ट बनाया था आरोपियों ने। नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च एजुकेशन नाम से एक ट्रस्ट बनाया हुआ था, इसी के नाम से वो सर्टिफिकेट जारी करते थे। गिरोह के लोग 10वीं और 12वीं कक्षा की फर्जी सर्टिफिकेट बिहार और अरुणाचल में बेचा करते थे। वहीं फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने के लिए 10 से 15 हजार रुपए लिया करते थे। पुलिस ने आरोपी रामकिशोर निवासी गाजीपुर बनारस यूपी को गिरफ्तार किया है, जो खुद पांचवी पास है। पौड़ी में जल जीवन मिशन की धीमी चाल, डीएम ने अफसरों को लगाई फटकार। पौड़ी में विकास कार्यों को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिस पर डीएम आशीष चौहान ने अब सख्त दुख अख्तियार कर लिया है। साथ ही जल जीवन मिशन कार्य की सुस्त चाल पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है। उत्तराखंड के लोगों को निर्मला सीतारमन के बजट से है यह उम्मीदें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज संसद में आम बजट को पेश करेंगी। इस बजट को लेकर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं उत्तराखंड को भी आम बजट 2023 से खासी उम्मीदें हैं। उत्तराखंड को केंद्र से राज्य को गेन बोनस, मोबाइल कनेक्टिविटी, बड़ी औद्योगिक इकाइयां, जोशीमठ आपदा को लेकर राहत पैकेज सहित कई क्षेत्रों में तोहफा मिलने की उम्मीदें हैं। बकायेदारों की अब खैर नहीं, संपत्ति होगी नीला। अवैध निर्माणों पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, 10 निर्माणाधीन भवन सील। हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण एक्शन मोड पर है। सोमवार को प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान जमकर बवाल मचा था, जिसके बाद टीम की कार्रवाई के बाद भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। वही टीम ने फिर से 10 निर्माणाधीन बिल्डिंग सील करने की कार्रवाई की है। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सरकार के कर्मचारियों से अपील, अकाउंट नंबर जारी। जोशीमठ की आपदा से हर कोई वाकिफ है। जोशीमठ से हजारों लोगों को विस्थापित किया जाना है, इसके लिए बड़ी रकम की जरूरत पड़ रही है। सरकार अपने स्तर से तो मदद कर ही रही है, अब उसे अपने अधिकारियों कर्मचारियों से भी मदद की दरकार है। इसी को देखते हुए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक पत्र जारी किया है। पत्र में अधिकारियों कर्मचारियों से जोशीमठ आपदा मदद के लिए आर्थिक सहयोग का आह्वान किया गया है। पौड़ी में पुलिस के बम्पर तबादले, 12 अधिकारी इधर से उधर। पौड़ी जिले में पुलिस विभाग में बम्पर तबादले हुए हैं, 12 अफसरों को इधर से उधर भेजा गया। लैंस राउंड कोटद्वार, श्रीनगर और यमकेश्वर में पुलिस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। पौड़ी जिले के एसएसपी श्वेता चौबे ने तबादला किए गए अफसरों से अतिशीघ्र नई पोस्टिंग पर ज्वाइन करने को कहा है। 50,000 का इनामी बदमाश अशरफ गिरफ्तार, लड़की भगाकर पंजाब में छिपा था। 6 साल पहले रुड़की से लड़की को भगाकर फरार हुआ अशरफ नाम का बदमाश पकड़ा गया है। पुलिस ने अशरफ पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। अशरफ पंजाब के पठानकोट में छिपकर रह रहा था, बीच में वो ठिकाने बदल लेता था। आखिरकार अशरफ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नैनीताल घूमने आए कानपुर के पर्यटक की मौत, ट्रैकिंग के दौरान गिरकर हुआ था बेहोश। कानपुर से नैनीताल घूमने आए एक पर्यटक ट्रैकिंग के दौरान अचानक मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया, जिसे उपचार के लिए तत्काल बीडी पांडे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने पर्यटक को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद साथ आए साथियों में हड़कंप मच गया। वो समझ नहीं पा रहे थे उनके दोस्त के साथ क्या हो गया। बताया जा रहा है कि पर्यटक ट्रिपिन टॉप क्षेत्र से ट्रैकिंग कर वापस शहर में लौट रहा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों पर एस्मा लागू, 6 महीने तक नहीं कर पाएंगे हड़ताल। उत्तराखंड ऊर्जा निगमों के कर्मचारी अगले 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सरकार ने ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लगा दिया है। कर्मचारियों ने सरकार के इस कदम पर नाराजगी जताई है। इंदिरा राजीव गांधी की हत्या शहादत नहीं हादसा, मंत्री गणेश जोशी के विवादित बोल। अपने जन्मदिन के मौके पर उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि इंदिरा और राजीव गांधी ने शहादत दी थी। गणेश जोशी ने उन दोनों की हत्या को एक एक्सीडेंट बताया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर हुए रिटायर, सीमा जौनसारी को मिला अतिरिक्त प्रभार। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश कुमार कुंवर आज रिटायर हो गए। उनके विदाई समारोह कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शिक्षा सचिव रविनाथ रमन मौजूद रहे। वहीं राजेश कुमार कुंवर के सेवानिवृत्त होने पर वर्तमान में सीमा जौनसारी को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उत्तराखंड के 26 किसानों की दूसरे राज्यों में होगी ट्रेनिंग, 1200 स्थानों पर होगी ये गोष्ठी। उत्तराखंड के 1200 स्थानों पर प्रदेश भर में वित्तीय जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। गोष्ठी किसानों के साथ मिलकर आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत सरकार नाबार्ड और समेकित विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा 26 किसानों को ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा, जबकि गरीब किसानों के बच्चों को सिविल सर्विसेज और एनडीए की कोचिंग फ्री दी जाएगी। यह सब जानकारी सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक में दी।
पिटकुल के निदेशक बने रहेंगे पीसी ध्यानी। शासन ने बनाया एक साल का कार्यकाल। पिटकुल यानी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के निदेशक, मानव संसाधन और प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी देख रहे पीसी ध्यानी को लेकर संशय खत्म हो गया है। पीसी ध्यानी के निदेशक मानव संसाधन की मूल तैनाती पर 2 फरवरी को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, जिसे अब एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। शुगर मिल ने किया 48.30 करोड़ का भुगतान। गन्ना किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान। राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल ने गन्ना किसानों को 48.30 करोड़ का बकाया भुगतान कर दिया। गन्ना भुगतान मिलने से लक्सर के किसानों के चेहरे खिल गए। लक्सर शुगर मिल प्रबंधन ने बताया कि इस बार तय समय पर किसानों को गन्ने का भुगतान किया जा रहा है। मिल प्रबंधन ने किसानों को 15 जनवरी तक का 48.30 करोड़ का भुगतान जारी कर दिया है। सरोगेसी और आर्ट एक्ट के लिए राष्ट्रीय बोर्ड गठित। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बने सदस्य। सहायक प्रजनन तकनीकी अधिनियम 2021 और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 को राज्यों में लागू करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक की गई। बैठक में प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। दोनों एक्ट को लेकर गठित राष्ट्रीय बोर्ड में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री को भी सदस्य बनाया गया, जो देश में इकलौते स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनको बोर्ड में बतौर सदस्य नामित किया गया है। सीएम धामी के निर्देश पर तय हुई थी थीम। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने दिया पुरस्कार। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड निकाली गई थी, जिसे देश में प्रथम स्थान मिला है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह पुरस्कार उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक और संयुक्त निदेशक को दिया है। रहस्य बना वीआईपी का नाम, नार्को टेस्ट पर रोक से जवाब पाना हुआ मुश्किल। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में वीआईपी गेस्ट कौन था, किस वजह से उसकी हत्या की गई समेत कई सवालों का जवाब मिल पाना अभी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पुलकित आर्य के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी गई है, जिससे एसआईटी के सवालों की फहरिस्त धरी की धरी रह गई। अब जांच टीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। कई नकली तो नहीं आपका आईफोन, नकली सामान बेचने वाले दुकानों पर पुलिस का छापा। अगर आप भी एप्पल कंपनी के महंगे फोन, केबल, चार्जर, बैटरी कवर और यूएसबी केबल लेने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि एप्पल कंपनी के नाम पर कुछ लोग अपने नकली माल बेच सकते हैं। ये चौंकाने वाले खुलासे देहरादून पुलिस ने किया है। हाईकोर्ट पहुंचे चमोली जिम्प अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी का मामला, कल भी होगी बहस। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने 31 जनवरी उत्तराखंड हाईकोर्ट में चमोली की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी पर बहस की। मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट के वैकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने सुना। 1 फरवरी को भी इस मामले पर बहस होगी। दोस्त को बचाए लेकिन खुद गंगा में डूब गया युवक, तलाश जारी। पैर फिसलने से गंगा में बह रही युवती को बचाने के लिए उसका दोस्त गंगा में डूब गया। युवक ने लड़की को तो जैसे तैसे किनारे तक पहुंचा दिया, लेकिन वो गंगा की तेज लहरों के बीच खुद किनारे तक नहीं पहुंच पाया और अचानक से गंगा में उछल हो गया। फिलहाल एसडीएफ और जल पुलिस लड़की की खोज में जुटी है। लड़का ऋषिकेश के एक होटल में काम करता था, जबकि लड़की लखनऊ से ऋषिकेश घूमने पहुंची थी। पौड़ी में जल जीवन मिशन की धीमी चाल, डीएम ने अफसरों को लगाई फटकार। बकायेदारों की अब खैर नई संपत्ति होगी नीलाम। अब बकायेदारों की खैर नई, प्रशासन ने बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन अब बकायेदारों की जमीन कुर्क कर राजस्व वसूलने की कार्रवाई कर रहा है, साथ ही राजस्व वसूली के लिए आरसी जारी की गई है। पिंडर घाटी में बर्फबारी, कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल। बागेश्वर जिले के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई। लंबे समय के बाद पिंडर घाटी में बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए पर्यटक के ट्रैकिंग पर फिलहाल जाने पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।